We are studying statistics in psychology and in last lectures we gone through uh, how we define statistics and why statistics is important particularly in psychology. Uh, as we know now statistics is a science of numbers. Uh, dealing with the numbers, analyzing data and then uh, making inference about the data and solving real world problems, all these statistics help us. और हमने बात की थी कि स्टिस्टिक्स डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्लुन्शल है और डिस्क्रिप्टिव में हमने बात की थी कि डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रपटिव का मतलब है कि व्हेन वी ऑर्गेनाइज़ डेटा समराइज डेटा एंड प्रेजेंट डेटा तो लास्ट लेक्चर में भी हमने बात की थी ऑर्गेनाइज़िंग um, डेटा uh, की और समराइजिंग uh, की और प्रेजेंटिंग की लेकिन आज हम फॉर्मली स्टेप बाय स्टेप उसको अगेन करेंगे सो ऑर्गेनाइजिंग डेटा में Uh, जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं वी हैव सो मैनी डेटा पॉइंट्स तो पहली चीज़ हम उसका फ्रिकुंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं फ्रिकुंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि फ्रीकुंसी टेस्ट यू कि एक नंबर आपके डेटा में कितनी दफ़ा आकर कर रहा है या कितनी दफ़ा वो uh, आ रहा है नंबर फॉर एग्जांपल जैसा ये आप स्क्रीन पे एग्जांपल देख रहे हैं इसके अंदर वन टू थ्री फोर सिक्स नाइन नाइन एट फाइव वन वन नाइन नाइन जीरो सिक्स नाइन है तो हमने अगर फ्रिक्वेंसी फॉर एग्जांपल नंबर नाइन इज नंबर नाइन की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो अगर हम इसको काउंट करेंगे तो हम देख सकते हैं कि वन टू थ्री फोर फाइव टाइम्स नाइन जो है वो अका कर रहा है सो so इसी तरह हम अपना फ्रीक्वेंसी uh, डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं बाय टेकिंग ऑर्गेनाइजिंग स्कोर्स इन वन कॉलम एंड देन फ्रीक्वेंसी फॉर ईच स्कोर दैट इज़ हाउ मेनी टाइम्स ईच स्कोर इज अकरिंग इन सेकेंड कॉलम Or uh, frequency distribution basically is an organized tabulation of the numbers of individuals located in each category on the scale of measurement. Uh, frequency distribution ko up uh, numbers may be present kar sakte hain, or frequency distribution graphically bhi present kar sakte hai, aur aaj hum isi ki baat karenge. Let's take some data and actually construct frequency distribution. For your ease, I have already put everything on the screen, but I will explain step by step how we did it. सो वी हैव अ फर्स्ट कॉलम दैट इज एक्स आप अपने रॉ डेटा में देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास रॉ डेटा आया है जो कि वैल्यूज़ हैं फ्रॉम वन टू फाइव और इसमें मैंने देखना है कि हर नंबर कितनी दफ़ा आकर कर रहा है फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा लिख लिया वन टू थ्री फोर फाइव एक्स कॉलम के अंदर और फिर मैंने देखना है कि हर स्कोर कितनी दफ़ा आकर कर रहा है फॉर एग्जाम्पल अगर वन का देखेंगे तो वो दो दफ़ा डेटा में आकर कर रहा है so, सो मैंने उसकी फ्रिक्वेंसी दो लगा दी इसी तरह x में अगर टू देखें तो वो कितनी दफा अगर कर, कर रहा है वन टू एंड थ्री टाइम्स अगर कर रहा है तो मैंने उसकी फ्रिक्वेंसी लिख दी है सो वेन वी प्लेस टू कॉलम्स वन इज x एंड सेकेंड इज एफ दिस इज प्रटी मच अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर हमने स्कोर्स का एक डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया है दैट एक्सप्लेन हाउ मेनी टाइम्स ईच स्कोर इज अक्रिंग इन अ गिवन डेटा सेट लेकिन एडिशनली हम उसका प्रोपोर्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं और उसकी परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज ऑफ कोर्स यू ऑल नो कि अगर हमारा ये टोटल एफ कितना है हमारा एन ट्वेंटी बनता है सो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा जो तीसरा कॉलम है वो प्रोपोर्शन का है और चौथा कॉलम हमारा परसेंटेज का है वैसे तो एक्स और एफ जो है आपके काफ़ी इन्फॉर्मेशन देने के लिए लेकिन हम अपनी सहूलत के लिए बिकॉज वी हैव टू यूज़ दिस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फर्दर अनालिस इसलिए हम इसमें परसेंटेज का डेफिनेटली कॉलम ऐड करते हैं आई विल एक्सप्लेन शॉर्टली इन नेक्स्ट वीडियो कि दिस कॉलम इज सो तो इसकी परसेंटेज निकालना इजी है प्रोपोर्शन का मतलब है कि आप उसको वन में से निकालेंगे फॉर एग्जाम्पल इफ द ट्वेंटी टोटल ये जो ऑब्जरवेशन हैं ट्वेंटी स्कोर हैं और इसको डेटा प्वाइंट हमारे ट्वेंटी बनते हैं मतलब एन इज ट्वेंटी और इसमें आपने देख लिया इसका प्रोपोर्शन अगर आपने निकालना है तो इस पर्टिकुलर सेट के लिए आप निकालेंगे टू बाई ट्वेंटी हमने लिख दिया और अगर इसको परसेंटेज निकालनी है तो आप इसको फर्दर हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे विच इज इक्वल टू टेन परसेंट और ये हमने इसी तरह हर स्कोर के लिए आपने परसेंटेज निकाल ली है और उसका प्रोपोर्शन भी निकाल लिया है सो यू कैन इमेजिन दैट इन रियल वेन यू आर कलेक्टिंग डेटा ऑन अ रियल इशू फॉर एग्जाम्पल अपने थीसिस के लिए अपनी ग्रुप रिसर्च के लिए डेटा इज इन हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स तो जब हमारे पास इतना बड़ा डेटा होता है तो उसको हम क्लासेस में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज करने का फायदा ये होता है कि हमें एट अ ग्लैंस पता चल जाता है कि डेटा में स्कोर्स किस तरह से स्प्रेड हुए हैं और किस कैटेगरी में ज़्यादा लोग आ रहे हैं फ्रिक्वेंसी uh, डिस्ट्रीब्यूशन को हम फर्दर भी इस्तेमाल करेंगे अगले लेक्चर्स में एंड आई विल शो यू हाउ हेल्पफुल दीज डिस्ट्रीब्यूशन आर फॉर का अदर डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ फंक्शनिंग और अनालिसिस